लड़कियां लेस्बियन क्यों बन जाती हैं? बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां आपको ये देखने को मिलता है कि लड़कियां लड़कों की तरफ नहीं जबकि लड़कियों की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही हैं, या फिर हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस या क्राइम सीन्स देखते हैं जहां पर लड़की लड़की की तरफ इतना उत्तेजित है कि उन्होंने कुछ क्राइम्स को किया है। आज जानेंगे कि ये लेस्बियन क्या होता है और लड़कियां लेस्बियन क्यों बन जाती हैं, सबके बारे में डिटेल से बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक सेक्स काउंसलर हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज बात करने वाली हूँ ये लेस्बियन होना कैसे हो जाता है और लड़कियां क्यों बन जाती हैं। मुझे पता है आप ये वीडियो अंत तक देखने वाले हैं और तो चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे लड़कियां लेस्बियन क्यों बन जाती हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लेस्बियन होना क्या होता है। बहुत रिसेंटली पिछले 2-4 सालों में आपको ये शब्द सुनने को मिल रहे होंगे या बहुत सारी वेब सीरीज या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं जिसके अंदर सेम लैंगिकता के ऊपर बहुत सारे सीन्स हैं, या आपको समझ में आया है कि ऐसा आजकल चलन में है कि लड़कियां लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं या उनको उसके लिए फीलिंग आने लगी है, जबकि इसके पीछे कुछ ऐसे कारण या तथ्य हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन हो सकता है लैक ऑफ लव। अगर कोई सिंगल पेरेंट है जहां लड़कियों को ना प्रॉपरली मां का प्यार मिला है और ना ही फादर का, जहां उन्हें कहीं ना कहीं लव अफेक्शन की सही डेफिनेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग या फील नहीं पहुंच पाई है, ऐसे केसेस में लड़कियां बहुत ज्यादा, स्पेशली सिंगल पेरेंट की लड़की जो कि सिंगल हो, उसके ज्यादा सेम लैंगिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही उन्हें कहीं से इमोशनल बॉन्ड मिलता है या फिर वो केयर मिलती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो ऑटोमेटिकली वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन रहता है लैक ऑफ सेक्स एडुकेशन। अगर आप टाइम से सेक्स एडुकेशन नहीं देते हैं या उन्हें नहीं बताते हैं कि लड़का और लड़की में क्या फर्क है या उनके प्रति उत्तेजना आना या समाज का जो एक प्रोस्पेक्टस है कि लड़कियां ही लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट, वो जब तक आप सही से उन्हें समझाएंगे नहीं या उनके दिमाग में या उनकी फीलिंग में नहीं डालेंगे तो चांसेस हैं कि लड़कियां लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। हम सबके अंदर सेक्स हॉर्मोन्स हैं और वो सेक्स हॉर्मोन ये नहीं देखता कि वो लड़का है या लड़की है। लेस्बियन होना है और उसे एक्सेप्ट करना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। और यहां पर मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी LGBTQ कम्युनिटी का जो कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ सही और गलत नहीं होता, प्यार कभी भी किसी से हो सकता है, लेकिन अगर हम कारणों की यहां बात कर रहे हैं कि लड़कियां क्यों कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वो जानना जरूरी है कि अगर हम सही से सही समय पर एडुकेट ना करें और इमोशनल बॉन्ड को डेवलप ना करें तो चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीजन हो सकता है बहुत अर्ली एज में पॉर्न को विजुअलाइज करना। और ऐसे में अगर आप पॉर्न विजुअलाइज कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं फीमेल फीमेल अट्रैक्टेड है, तो जब उसका ओवरडोज होने लगेगा तो आपका दिमाग उसी को देखकर प्लेजर फील करने लगेगा, और जब उसको देख के प्लेजर आ रहा है, आपके थॉट्स वैसे हो गए हैं, तो आपके एक्शंस और आपकी फीलिंग्स भी वैसी हो जाती हैं। तो यस, अगर आप मुझे बोलो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है पॉर्न विजुअलाइजेशन का, तो यस डेफिनेटली होता है। और हर फैंटेसी में इस तरह का विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण बनता है। चौथा बड़ा रीजन हो सकता है हॉस्टल गर्ल्स, क्योंकि जितने भी लेस्बियन केसेस देखे गए हैं वो जब लड़कियां आपस में साथ रहती हैं या फिर साथ तरीके से कनेक्शन रहता है, एक दूसरे को के साथ रहना, साथ बैठना या फिर बहुत ज्यादा क्लोजनेस को देखना, कपड़े साथ में बदलना या साथ में नहाना, इस तरह के कुछ एक्टिविटी सेक्स हॉर्मोन को जागृत कर सकती है जो कि कहीं ना कहीं एक ट्रिगर हो सकता है लेस्बियन नेचर का। कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो बाइसेक्सुअल होती हैं, जिनको मेल्स और फीमेल्स दोनों पसंद होती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों कैसे कन्वर्ट होती हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको लास्ट यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर कोई लेस्बियन है और वो उसे एक्सेप्ट करता है, आजकल तो मैरिजेस भी अलाउड है, तो इस तरीके से अगर कोई है और वो समाज को नुकसान नहीं पहुंचा रहा और अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रहा है, तो हमें उनकी लाइफ में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। और हम कोई नहीं होते इस चीज का ज्ञान देने वाले कि ये सही है या गलत है, बट कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको जागृत करने के लिए है और आपको कारण बताने के लिए है कि क्यों लड़कियां लेस्बियन बन जाती हैं। आशा करती हूं मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और टॉपिक है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कनेक्ट करने के लिए डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। बहुत सारे ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को थम्स अप देना ना भूलें।